ऑनलाइन धोखाधड़ी कर बैंक खाते से 60,000 हड़पे, केस दर्ज। शहर में ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। क्लॉक टावर थाना क्षेत्र स्थित बाबू मोहल्ला केसरगंज निवासी शोभित खन्ना के बैंक खाते एवं पेटीएम अकाउंट से सेना का जवान बताकर अग्निशमन यंत्र मंगवाने के नाम पर ऑनलाइन ठगी कर अज्ञात युवक ने खाते से निकाले 60,000 रुपए। क्लॉक टावर थाने में मामला दर्ज। मतलब मेरे फादर से रेट वगैरह पूछी और उन्होंने अमाउंट बता दिया। फिर वो बोला कि पेमेंट मैं गूगल पे के थ्रू करूँगा या जैसे भी। तो फादर ने कहा कि मेरे तो मैं समझता नहीं, मेरे बेटे का आप फ़ोन नंबर ले लो, उससे बात कर लो, उस पर कर देना। तो उसका फिर मेरे पास कॉल आया कि 15,104 रुपये आपको ट्रांसफ़र करने हैं और हमारा क्योंकि आर्मी अकाउंट है तो हम तब तक नहीं कर सकते जब तक आप पेमेंट रिक्वेस्ट नहीं भेजोगे हमें। वो पेमेंट रिक्वेस्ट करने के लिए मैं आपको एक QR कोड भेज रहा हूँ, आप उसको अपने गूगल पे फ़ोन पे जो भी आप जिससे भी करना चाहें उसमें डाल देना। तो जब मैंने उसमें वो डाला तो मेरे अकाउंट में क्रेडिट होने की बजाय मेरे अकाउंट से ही डेबिट हो गए। क्या नाम बताया उसने? उसने अपना नाम मेरे को नहीं बताया था, कुछ यादव करके कुछ ID कार्ड अपना व्हाट्सएप किया था उसने। कहाँ पर बताया था, कहाँ से? नसीराबाद कैंट। कितने अकाउंट से पैसे निकल गए आपके? मेरे एक अकाउंट से 45,000 के आसपास निकले हैं, पेटीएम वॉलेट से 9,600 रुपये निकले हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा से 5,000 रुपये। कितने हुए? 60,000। मामला दर्ज करा दिया? हाँ, मामला दर्ज करा दिया है। कौन से थाने में? क्लॉक टावर थाने में। आपका नाम? शोभित खन्ना। कहाँ रहते हैं? बाबू मोहल्ला।